आज के इस वीडियो में हम बेसिक पाइपिंग के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास इम्पोर्टेंट है जो कि पाइपिंग फील्ड में जाना चाहते हैं और बिल्कुल फ्रेशर हैं और उन्हें कुछ भी पता नहीं है, और जिन्हें पता है वो भी देख सकते हैं और बता सकते हैं कि हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं जिससे एक फ्रेशर का नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो। तो आज हम जानेंगे कि पाइपिंग क्या होता है, पाइप कितने प्रकार का होता है, पाइप को कितने प्रकार से मेजर किया जाता है यानी नापा जाता है, पाइप के ओडी से सीएफ और सीएफ से ओडी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो आज इन्हीं बेसिक चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसी प्रकार वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा पाइपिंग का डेफिनेशन देख लेते हैं कि पाइपिंग होता क्या है। सो पाइपिंग कैन बी डिफाइंड एज एन असेंबली ऑफ पाइपिंग कंपोनेंट्स यूज्ड टू कन्वे और डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेस फ्लूइड फ्रॉम वन आइटम ऑफ इक्विपमेंट टू अनदर इन अ प्रोसेस प्लांट। द पाइपिंग कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ दिस असेंबली आर पाइप्स, फिटिंग्स, फ्लैंजेस, वाल्व्स, बोल्ट्स, नट्स एंड गैस्केट्स। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी भी प्रोसेस प्लांट में पाइपिंग कंपोनेंट्स को आपस में मिलाकर या जोड़कर किसी भी फ्लूड यानी कोई भी तरल पदार्थ या गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या फिर किसी एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट तक ले जाने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है उसे पाइपिंग कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पाइपिंग समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे आगे और भी क्लियर होता जाएगा, बस ध्यान से समझते जाइएगा। अब देख लेते हैं पाइपिंग कंपोनेंट्स क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पाइपिंग में इस्तेमाल होने वाले सारे अलग अलग पार्ट्स एक कंपोनेंट है, जैसे पाइप, फिटिंग्स, फ्लेंजेज, वाल्व्स, नट बोल्ट, गैस्केट इत्यादि। अब जब हम इन सबको एक साथ मिला देते हैं तो ये पाइपिंग कहलाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको पाइपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसमें हम बताने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि पाइप क्या है। वैसे सबने पाइप देखा होगा लेकिन एक डेफिनेशन के तौर पर हम देखते हैं कि पाइप क्या होता है। तो पाइप एक प्रकार का लंबा गोलाकार और अंदर से खोखला एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर से किसी भी लिक्विड या गैस को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जा सकता है। देखिए आगे, अगर आपसे कोई पूछे कि पाइप कितने प्रकार का होता है तो इसमें लोगों का बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग बोलेंगे कि पाइप मेटलिक होता है, नॉन मेटेलिक होता है, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये सीएस का होता है, एसएस का होता है, एलॉय का होता है। इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे पाइप को, लेकिन हम यहाँ पे बेसिक डिफरेंस आपको बताना चाहेंगे कि पाइप कितने प्रकार का होता है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कभी भी आपसे कोई पूछे तो आपको सिंपल बताना है कि पाइप दो प्रकार के होते हैं, पहला सीम पाइप और दूसरा सीमलेस पाइप, यानी जिस पाइप में जोड़ होता है उस पाइप को सीम पाइप कहते हैं और जिस पाइप में जोड़ नहीं होता है उसे सीमलेस पाइप कहते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि पाइप में जोड़ है या नहीं, तो जब आप पाइप को देखेंगे तो आपको ऊपर से पाइप के लॉन्गिट्यूडनल साइड में वेल्डिंग का जॉइंट दिख जाएगा, और अगर कभी कभी ऊपर में नहीं दिखेगा तो पाइप के अंदर वाले भाग में जरूर दिख जाएगा। तो जिस पाइप में वेल्डिंग ज्वाइंट हो उसे हम सीम पाइप कहेंगे, और अगर बाहर या अंदर कहीं से भी वेल्डिंग ज्वाइंट ना दिखे, अगर ज्वाइंट ना हो तो उसे हम सीमलेस पाइप कहेंगे। यही दो प्रकार के पाइप होते हैं। अब अगर पाइप के मेजरमेंट की बात की जाए तो हम एक पाइप को पांच प्रकार से नाप सकते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे ज्यादा जो मेजरमेंट किया जाता है पाइप का वो होता है ओडी की सहायता से। ओडी यानी आउटर डायमीटर की सहायता से हम पाइप को नापते हैं। दूसरा तरीका होता है आईडी की सहायता से, मतलब इनर डायमीटर की सहायता से।
तीसरा तरीका होता है सीएफ की सहायता से, सीएफ यानी कि सर्कमफेरेंस। चौथा एक तरीका होता है जिसमें थिकनेस की सहायता से भी हम पाइप को नापते हैं, और एक पांचवा तरीका है जिसे लंबाई की सहायता से हम किसी भी पाइप को नापते हैं। अब इन पांचों तरीकों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ओडी को सबसे पहले देखते हैं। ओडी क्या होता है? तो किसी भी पाइप के सर्कुलर पार्ट के बाहरी भाग को सेंटर यानी केंद्र से होते हुए नापते हैं तो उसे ओडी कहा जाता है, यानी आउटर डायमीटर। इसी तरीके से अगर पाइप के अंदर वाले भाग को सेंटर से होते हुए यानी केंद्र से होते हुए नापते हैं तो उसे आईडी कहा जाता है, यानी इंटरनल डायमीटर। अब सीएफ देखते हैं कि सीएफ क्या होता है। तो जब हम पाइप के चारों तरफ बाहर से नापते हैं तो उसे सीएफ यानी सर्कमफेरेंस कहा जाता है। थिकनेस देख लेते हैं। तो पाइप की जो मोटाई होती है उसे ही थिकनेस कहा जाता है। वैसे टेक्निकल टर्म में थिकनेस को शेड्यूल के टर्म में भी डिफाइन किया जाता है। एंड फाइनली अगर लेंथ की बात की जाए तो लेंथ यानी कि लंबाई, यानी पाइप जितना लंबा होता है उसे भी नाप करके हम उसका मेजरमेंट निकाल लेते हैं। तो इन पांच तरीकों से हम किसी भी पाइप को नापते हैं। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब देख लेते हैं कि ओडी से सीएफ और सीएफ से ओडी बनाने का क्या फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको सीएफ निकालना है और ओडी दिया हुआ है तो सीएफ इक्वल टू होता है ओडी इंटू 3.142। इस तरीके से हम सीएफ निकाल सकते हैं किसी भी पाइप का। अगर ओडी निकालना हो जब सीएफ दिया हो तो ओडी इक्वल टू होता है सीएफ डिवाइडेड बाई 3.142। इस तरीके से आप ओडी निकाल सकते हैं। या फिर एक और तरीका है ओडी निकालने का कि सीएफ में हम 0.318 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से भी हम ओडी निकाल सकते हैं। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखें कि 0 से 12 इंच तक के पाइप का ओडी कांस्टेंट होता है, और ये आपको याद करना पड़ेगा। इस चीज को आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि किसी भी पाइप का ओडी और सीएफ कैसे निकालें, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा जहां आपको 0 से लेकर के 12 इंच तक के पाइप का ओडी भी मिल जाएगा। अब 12 इंच के ऊपर के पाइप का ओडी जानने के लिए पाइप के साइज में हम सिंपली 25.4 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे अगर 14 इंच का पाइप है तो उसका ओडी जो होगा 14 × 25.4 इक्वल टू 355.6 होगा। इस तरीके से आप यानी 12 इंच के ऊपर जितने भी पाइप का ओडी निकालना है उसमें 25.4 से आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं सिंपली। इसके आगे अब हम बात करेंगे कि किसी भी पाइप फिटर के लिए उसके पास बेसिक टूल्स क्या होना चाहिए, यानी उसको किन किन टूल्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है काम करने के लिए। अगर ये बेसिक टूल्स ना हो तो शायद उसके काम पे इफेक्ट पड़ेगा और वो काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम कुछ फिटिंग्स के बारे में बात करेंगे कि पाइपिंग में किन किन फिटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फिटिंग्स के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि वाल्व्स के प्रकार, फ्लैंजेस के प्रकार, गैस्केट के प्रकार, रिड्यूसर के प्रकार इत्यादि के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।